Z+ Security एक बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV, 5-स्टार होटल में ऑफिशियल स्टे की फैसिलिटी और भी बहुत कुछ। गुजरात का एक ठग खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का सीनियर ऑफिसर बताकर जम्मू कश्मीर प्रशासन से सुविधाएं लेने और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम का खुले तौर पर मजाक उड़ाने में कामयाब रहा। इस ढोंगी किरण भाई पटेल ने इस साल की शुरुआत में श्रीनगर के अपने 2 दौरों के दौरान अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में रणनीति और अभियानों का जिम्मा संभालने वाला एडिशनल डायरेक्टर बताने वाले पटेल को करीब 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी को पुलिस ने गोपनीय रखा। गुरुवार को मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद ये मामला सामने आया। ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी के दिन ही FIR दर्ज की गई थी या वो दर्ज करने में कुछ देर हुई। इस ठग ने घाटी में पहली यात्रा फरवरी में की थी, तब उसने हेल्थ रिसॉर्ट्स का दौरा किया था। अर्धसैनिक बल और पुलिस की सुरक्षा के साथ उसके विभिन्न स्थानों की यात्रा के कई वीडियो हैं। वो पैरामिलिट्री गार्डों के साथ बडगाम के दूध पथरी में बर्फ के बीच से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। वो श्रीनगर में ब्लॉक टावर लाल चौक के सामने फोटो खिंचवाता हुआ भी नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि पटेल ने गुजरात से अधिक टूरिस्ट को लाने के तरीकों और मिल्कस्टोन को एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट बनाने के बारे में चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें भी की। 2 सप्ताह के भीतर अपने दूसरे दौरे पर श्रीनगर आने के बाद पटेल संदेह के घेरे में आ गया। सूत्रों ने कहा कि एक IAS अधिकारी जो कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात है, उसने पहले महीने एक वरिष्ठ PMO अधिकारी की यात्रा के बारे में पुलिस को सूचित किया। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस को PMO के एक अधिकारी के रूप में एक ठग के बारे में सतर्क किया। उसके बैकग्राउंड की पुष्टि करने के बाद पुलिस को श्रीनगर के एक होटल से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। सूत्रों का कहना है कि 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गड़बड़ी और समय पर ढोंगी का पता लगाने में विफलता के लिए कार्रवाई शुरू की गई। सूत्रों ने कहा कि गुजरात पुलिस की एक टीम भी जांच में शामिल हो रही है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।